केएलएम इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अनुशासन सिखाने की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा फोकस करने हेतु स्कूल वचनबद्ध है। ये बात केएलएम इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुनैना सम्बियाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 में स्थापना से लेकर अब तक स्कूल ने अभिभावकों के बीच एक अपनी अलग पहचान बनाई है तथा आज उनके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे देश विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत होकर अपने स्कूल व अभिभावकों का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को शिक्षा और खेलकूद में आगे ले जाकर स्कूल उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास कर रहा है। यही वजह है कि स्कूल आज अभिभावकों की पहली पसंद बन चुका है। उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने और अभिभावकों को भी इस तरफ ध्यान देने के लिए जागरूक किया। आज आपको यहाँ बुलाने का जो मुहिम है, जो मकसद है, वो एडमिशन से रिलेटेड नहीं है। वो इससे रिलेटेड है कि पठानकोट के लोकल पेरेंट्स ने, सबसे पहले आप सब पठानकोट वासियों को नमस्कार, पठानकोट के लोकल पेरेंट्स ने बहुत गिला किया है कि मैम हर बार सिर्फ लद्दाख, कश्मीर, राजौरी, पुंछ, हमारे लिए कभी आपका कोई मैसेज क्यों नहीं आता है। तो ये मैसेज स्पेशली आप सबके लिए है कि केएलएम क्या चाहता है, केएलएम क्या है, केएलएम में ऐसा हटके क्या है। सो इसलिए आज आप सब भाइयों को यहाँ बुलाया गया है। ज़्यादा ना बोलते हुए केएलएम के बारे में यही बताऊँगी कि वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्कूल, बिल्ट इन 1997, इस भरोसे से आगे चले हुए हैं कि कॉन्वे है हमारा केएलएम। स्पीड ग्रेजुअली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। केएलएम का एक ही और नाम है, दैट इज डिसिप्लिन एंड फोकस, दैट्स इट। और भी जिले में बहुत से स्कूल हैं, आपके स्कूल में ही बच्चे एडमिशन लें, इसके लिए क्या खास आपको? हर जगह जाइए, हर स्कूल अच्छा है। हम कभी नहीं कहते हैं कि आइए केएलएम में ही एडमिशन करवाइए। आप हर जगह जाइए, हर एक को मौका होना चाहिए अपने स्कूल को आगे बढ़ता हुआ देखने का। एज ए प्रिंसिपल होने के नाते मुझे मेरा स्कूल सबसे हटके क्यों लगता है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो अभी मैं आपके इंटरव्यू पे नहीं बता पाऊँगी। बट यस, किसी चीज़ को परखने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी होता है, किसी चीज़ को देखने के लिए वहाँ महसूस करना पड़ता है कि आज स्कूलों की वैल्यू इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि आज हर माता पिता एक ही चीज़ से दुखी है, हम घर पे अपने बच्चों को वो डिसिप्लिन, वो फोकस नहीं दे पा रहे हैं। हम एक ही चीज़ दे पा रहे हैं, बेटा आईफोन चाहिए, बेटा एप्पल चाहिए, बेटा इंस्टाग्राम यूज़ कर लो, थोड़ी सी मेरी भी रील डाल दो। कुछ मम्मियाँ साथ बैठ जाती हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, सिर्फ ये चीज़ें ना हो। इसलिए प्लीज़ केएलएम आइए और देखिए 1 ईयर का टाइम देके कि किस तरह से सुनैना सम्बियाल और उसकी केएलएम की टीम आपके बच्चे में एक ग्रोथ और एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट लाती है। डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के लिए आपके स्कूल की तरफ से क्या क्या सुविधाएं जो लोगों को दी जा रही हैं? सर, पठानकोट का क्या रहता है कि दिल है पठानकोट, ऑल दो इट्स अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में हर जगह से बच्चे हैं, लेकिन पठानकोट की बात की जाए तो दिल है पठानकोट। जब अपने शहर के लिए ही कुछ ना कर पाऊँगी तो बाहर के एरिया से बच्चे बुलाऊँगी तो वो एक अलग चीज़ है। यही मेन मकसद है आपको बुलाने का। केएलएम का मतलब है एक ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर में आप घर से बैठ के बच्चों को वो नहीं दे पाएंगे जो चीज़ एक पर्टिकुलरली जो पेडागॉजी मैं दे पाऊँगी। जो स्लो लर्नर बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं और केएलएम इसमें एक्सपर्ट है कि 5 उंगलियों को अलग तरीके से कैसे चलाया जाए। तो 10+2 के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी है स्कूल की? सर, ये जो सब स्कूल बोलते हैं ना, स्पेशली बच्चा भेजिए और प्लस टू में ही कोई जादू हो जाएगा, ये जादू नहीं होता है। ये जादू करने के लिए आपको छोटे से ही बच्चे का स्कूल, अच्छा स्कूल, बेस्ट स्कूल डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि रोम कैन नॉट बिल्ट इन अ डे। सिर्फ एक साल में अगर मैं बोलूँ मैं आपके बच्चे को डॉक्टर बना दूंगी, जेई क्लियर हो जाएगा, नो। केएलएम ही एक ऐसा स्कूल है जिसमें 7th से जेई की, एनडीए की, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जा चुकी है एज अ बेसिस ऑफ MCQs। सिर्फ 10th में जाके मैजिक नहीं होगा, इसलिए अपने बच्चे का स्कूल एक बेहतर तरीके से चुनिए। और कोचिंग का अगर सवाल रहा स्पेशली प्लस टू के बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली हमारे स्कूल में भी नीट, जेई, एनडीए हर तरीके की कोचिंग दी जाती है। स्कूल में मैम हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है, तो उसके लिए सिक्योरिटी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिक्योरिटी प्रबंध की है? सिक्योरिटी सर आप जानते हैं हर बोर्डिंग स्कूल देता है, उनसे बेटर ही होगी हमारी, लेकिन जो हर स्कूल में आपको नहीं मिलेगा वो एक माँ जैसी यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं मिलेगी, और डिसिप्लिन के नाम पे स्ट्रिक्ट सेम वही प्रिंसिपल कैसे कर्नल बन जाती है वो नहीं मिलेगा। सो इन शर्ट आप ये कह सकते हैं नट शेल में कि ये एक छावनी मिलेगी आपको आर्मी जैसी, जहाँ पे मेरे खुद के पेरेंट्स जानते हैं कि स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन के मामले में केएलएम से बेस्ट कोई और स्कूल नहीं है।
हम स्लो लर्नर के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं स्कूल की तरफ से? बहुत अच्छे कदम उठाने चाहिए सर, और हर स्कूल को उठाने चाहिए। किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता है ये सुन के कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है, आप प्लीज़ नाइन्थ में अपना बच्चा निकाल लीजिए और जहाँ मर्जी लेके जाइए। अगर यही जवाब देना है तो फर्स्ट में दे दीजिए, सेकंड में दे दीजिए। सिर्फ पैसा ही हर चीज़ की मुहिम नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्लो लर्नर के मामले में अगर KLM आगे है तो सैल्यूट है मेरी KLM के टीचर्स को, जहाँ पे स्पेशल एक पेडागॉजी बनाई जाती है सिर्फ स्लो लर्नर्स के लिए। फ़क्र है मुझे अपने KLM पे, जहाँ पे वो एक बच्चा 40 बच्चों में बैठ के नहीं पढ़ता है। वो बच्चे स्लो लर्नर्स के एक अलग टीचर्स अपॉइंट की जाती है, उनके अलग से पीरियड्स लगते हैं, उनका एक पेडागॉजी, मतलब जिसे हम सिलेबस कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, उनकी कोस्ट स्कॉलास्टिक अप्रोच, उनकी स्कॉलास्टिक अप्रोच को सब कुछ एक डाटा बेस्ड में कन्वर्ट करके उनका एक कंप्लीट एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसके बेस पे जैसे डॉक्टर अपने हर पेशेंट को डिफरेंट तरीके से आगे प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी बेसिस पे KLM भी हर स्लो लर्नर बच्चे को उसी की स्पीड के हिसाब से आगे चलाता है। रिजल्ट कैसे हैं स्कूल के? रिजल्ट्स, ये जो बात आपने बोली है, ये प्यारा शब्द है जो हर माता पिता एंड में एक ही चीज़ मांगते हैं, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त है, रिजल्ट्स के लिए सबसे पहले घर पे ट्विटर छोड़िए, इंस्टा छोड़िए, यूट्यूब छोड़िए, ब्लॉग्स बनवाना छोड़िए, ठीक है? सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करिए। प्लस टू के बाद ये आज़ाद परिंदे हैं, हर चीज़ कर लेंगे। रिजल्ट कभी एक ताली मारने से नहीं आता है। अगर आपको लगे कि 5 घंटे स्कूल भेजने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैम वही 5 घंटे जब वही बच्चा घर आके 3 आवर्स की रिकैप्चुलेशन नहीं करेगा, कोई भी जादू, कोई भी स्कूल नहीं कर पाएगा। सो डेफिनेटली वी आर वेरी प्राउड, 100% रिजल्ट रहता है हमारा 10th का और प्लस टू का। और बाकियों के लिए, वो जानने के लिए एक बार आप अपना बच्चा भेजिए और जानिए कि किस तरह से रिजल्ट है हमारे। बच्चों की स्टडी के लिए कैसा एटमोसफियर रहना चाहिए, किस में बिलीव करते हैं आप? मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, क्योंकि सर जो मैं महसूस करती हूँ वही मैं अपने मीडिया के थ्रू बोलूँगी, बच्चों की स्टडीज़ के लिए पठानकोट के लिए ये स्पेशल कॉन्फ्रेंस है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नो मोबाइल्स, नो मोबाइल्स, नो मोबाइल्स, ओनली डिसिप्लिन। आज के टाइम पे हम ही अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा मन करता है शाम को कथा देखने का, मेरा मन करता है कोई नागिन सीरियल देखने का, सॉरी मुझे ज़्यादा सीरियल्स के नाम नहीं पता है, लेकिन उस 1 आवर में मुझे मेरा बच्चा डिस्टर्ब ना करे तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और बच्चे को दे देती हूँ। और बच्चा क्रोम से लेके इंस्टा से लेके, बच्चा पढ़ाई में आपका स्लो लर्नर होगा, लेकिन आप मोबाइल दे दीजिए, हर ऐप उसको यूज़ करना आता है। सो प्लीज़ बेटर रिजल्ट्स के लिए एक अच्छा स्कूल चुनिए, ऑब्वियसली KLM चुनिए, और सेकेंड बेटर रिजल्ट के लिए प्लीज़ अपने मोबाइल्स को लॉक कर दीजिए। प्लस टू के बाद उसको कमाने दीजिए, जॉब करने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसको इस लायक बनाइए कि वो 1.5-2 लाख का फ़ोन खुद ले सके, ना कि आपको देना पड़े। उसके एडमिशन्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, अभी लिमिटेड सीट है, और ये भी KLM की एक खासियत है, KLM स्ट्रांगली बिलीव्स इन क्वालिटी एडुकेशन नॉट क्वान्टिटी। सो वी हैव अ लिमिटेड सीट्स, डिसिप्लिन वाइज, पेडागॉजी वाइज, come and just visit the school and meet me, then you will automatically come to know why KLM is super best. Thank you. Thank you.